नमस्कार, मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे कैंपस से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए हुआ ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन, स्टूडेंट्स को जागरूक करना था मकसद। कार्यक्रम के दौरान आयोजित हुए कई सत्र। लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से जल्द होगा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, देश भर के शोधकर्ता और छात्र लेंगे हिस्सा। मानवाधिकारों के लिए सुधारवादी दृष्टिकोण विषय पर आधारित होगी सम्मेलन की थीम। यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को स्वस्थ रखने की कवायद, योग सत्र का किया गया आयोजन। योग को कर्मचारियों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना था कार्यक्रम का मकसद। नए एकेडमिक सेशन के साथ ही छात्रों की कैंपस में वापसी शुरू, उत्साहित नजर आ रहे स्टूडेंट, कैंपस में रौनक। शूली यूनिवर्सिटी कैंपस में स्टूडेंट्स के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, आइए बताते हैं आपको। शूलिनी यूनिवर्सिटी में मौजूद एपीजे हॉल में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मकसद स्टूडेंट्स को पाठ्यक्रम, परीक्षा और शैक्षणिक परिवर्तनों के बारे में जागरूक करना और उनके संदेह को दूर करना था। कार्यक्रम का उद्घाटन चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला और वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला के स्वागत भाषण के साथ हुआ। कार्यक्रम में ई लर्निंग के निदेशक प्रोफेसर आशु खोसला, प्लेसमेंट और स्प्रिंट टीम के प्रमुख अजय खन्ना, पायल खन्ना और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर रोहित गोयल के साथ इंटरेक्टिव सत्र भी रखे गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीन स्टूडेंट वेलफेयर पूनम नंदा ने किया। यूजी और पीजी के नए स्टूडेंट्स का एकेडमिक सेशन सितंबर में शुरू होगा। नए स्टूडेंट्स के लिए भी ओरिएंटेशन, क्लब मेला, मीट एंड ग्रीट जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कैमरा पर्सन हर्षिता के साथ ओम शूलिनी संवाद सोलन। शूली यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से जल्द ही 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह सम्मेलन कई मायनों में खास रहेगा और वो कैसे, आइए बताते हैं आपको। 10 और 11 नवंबर को लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन का विषय मानव अधिकारों के लिए सुधारवादी दृष्टिकोण होगा। देश भर के शिक्षाविद, शोधकर्ता और छात्र इस सम्मेलन में शामिल होंगे, जो सत्रों के दौरान पेपर प्रस्तुत करेंगे। सम्मेलन में चयनित और प्रस्तुत किए गए सभी शोध पत्र समापन समारोह में जारी किए जाने वाली एक पुस्तक में प्रकाशित किए जाएंगे। ये सम्मेलन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और भारत के कई अन्य प्रमुख गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से आयोजित किया जाएगा, जिसमें लालदी, गूंज, इंटरनेशनल यूथ फोरम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट काउंसिल, हेल्पेज इंडिया, केयर इंडिया, सूत्र और स्माइल फाउंडेशन शामिल हैं। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ वैदेही शूलिनी संवाद सोलन। सभी कर्मचारियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शूली यूनिवर्सिटी में एक अद्भुत सत्र का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का मकसद योग को सभी के जीवन का हिस्सा बनाना था। शूली विश्वविद्यालय के योग विद्यालय ने मानव संसाधन के निदेशक संजीव कुमार सिंह के निर्देशन में सभी कर्मचारियों के लिए लाइव लव योग कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत आई स्माइल टीम की तरफ से की गई। कार्यक्रम का मकसद योग को 2024 तक हर कर्मचारी के दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना, सभी कर्मचारियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाना, उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना और शूलिनी परिवार में सामंजस्य स्थापित करना था। लाइव लव योग के तहत अब तक कुल 7 बैचों और 70 कर्मचारियों को प्रमाणित किया गया है और 30 से ज्यादा कर्मचारियों ने कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया है। असिस्टेंट प्रोफेसर अपार कौशिक और रिसर्च स्कॉलर सुमन रावत अलग अलग आसनों को सिखाकर कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ दीक्षा, शून्य संवाद सोलन। नया एकेडमिक सेशन शुरू होने के साथ ही स्टूडेंट्स के कैंपस में वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में कैंपस की रौनक लौट आई है। कैंपस वापस आने पर स्टूडेंट्स कैसा महसूस कर रहे हैं, यह जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता भावना ने।
नए एकेडमिक सेशन की शुरुआत के साथ ही स्टूडेंट्स कैंपस वापस लौट रहे हैं। हमने स्टूडेंट्स से जाना कि कैंपस वापस आने पर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम परमप्रीत है। मैं शून्य यूनिवर्सिटी से होटल मैनेजमेंट पढ़ रहा हूँ और मेरा अभी दूसरा ईयर है ये, और मैं यहाँ पर 1 अगस्त को आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का माहौल काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं और अपने दोस्तों से मिलकर और अपनी फैकल्टी से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्टेंसन थालपा है, मैं लद्दाख से हूँ और ये मेरा 3rd सेमेस्टर है। वापस आना बहुत अच्छा लग रहा है, वापस अपने दोस्तों के बीच में आना है, कभी ये अकेला फील नहीं होता। यहाँ शुलिनी में वापस आना हमेशा एक प्रिविलेज होता है। यहाँ आकर एक दूसरा फैमिली फील होता है, जहाँ पे दोस्तों का कमी नहीं होता है, जहाँ पे एंटरटेनमेंट डाइवर्स रहता है, जो चीज आपको मिल जाता है, और अबव ऑल फ्रेंड्स या फैमिली जैसे एक्ट करता है। आपको जो चाहिए हर एक परिस्थिति जो भी चीज़ों में फ्रेंड्स आपके साथ देंगे, टीचर्स वो कैसा बोल सकता हूँ, टीचर्स तो हमेशा काफ़ी साइड होता है, क्या भी करो चाहे आप सही हो गलत हो, वो आपको हमेशा सही सलाह देंगे और सही जगह पहुँचाएंगे। यहाँ वापस आना हमेशा की तरह छोटे सा प्लेजर। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे वापस आ गए यूनिवर्सिटी में। इट्स माई फाइनल ईयर और काफ़ी कुछ बदला गया यूनिवर्सिटी में। थैंक यू सो मच यूनिवर्सिटी फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर अस। कैंपस वापस आने के बाद वाकई स्टूडेंट्स काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं और अगले महीने से शामिल होने वाले नए बैच से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। भावना शूलिनी, संवाद सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आइए आपको सीधा ले चलते हैं आरजे नितिन के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी शो के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। हेलो, हाय, नमस्ते, मैं हूं आरजे नितिन और आज मैं आपको बताऊंगा रेडियो शूलिनी पर आने वाले शोज के बारे में, जो इस प्रकार हैं: उन्नति की राहें बाय आरजे इंदु, मेरी कलम से बाय आरजे नूर, फेक मत यार बाय आरजे मनन, एंड रात अभी बाकी है बाय आरजे सौरभ। तो ये रही शोज की लिस्ट, सुनना मत भूलिएगा सिर्फ और सिर्फ रेडियो शूलिनी पर आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।